हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको वॉलेट बनाना बता रहे हैं। देखिए, हमने यहाँ चेन डाली। देखिए, यहाँ हमने चेन डाली, चेन स्टार्ट की। अब हम चेन डालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस देखिए, अभी हमने देखिए चेन डाली है। हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सताईस अट्ठाईस उनतीस तीस। अब हम बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस चेन हमने डाल ली है। अब हम यहाँ से दो चेन छोड़ के इसकी स्लिप स्टिच डालेंगे। ये देखिए, हम इसको इसमें हाथ ढीला नहीं रखना है। और देखिए, अभी हम इसका स्लिप स्टिच डालेंगे इसमें। यहाँ से हम देखिए स्टिच हम सिंगल सिंगल बनाएंगे, इसके ऊपर बल नहीं देंगे। ये देखिए, देखिए हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हम एक चेन करेंगे, उसके बाद वापस उसी तरह सब में एक एक सिंगल सिंगल डालते जाएंगे। ये देखिए, हमने इसको वाइट कलर में बनाया है। आप चाहें जिस भी कलर में चाहें बना सकते हैं। इसमें थोड़ा हाथ टाइट ही रखिए। ये देखिए, ऐसे ही
ऐसे ही हम उल्टी साइड सीधी साइड दोनों साइड से ऐसे ही डालेंगे। देखिए ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे, हम थोड़ा बना के आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेडीज़ वॉलेट बनाना बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब हम 40 चेन डाल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 29 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 34 35 36 37 38 39 40। देखिए हमने 40 चेन डाल दी है। अब हम इसको ऊपर से बनाना शुरू करेंगे। देखिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखिए हम 2 चेन छोड़ के इसको यहाँ से स्लिप स्टिच से ऐसे बनाते जाएंगे। ये देखिए, देखिए इसको हम ऐसे सब में एक एक में एक एक डालते जाएंगे। ये देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से हम पूरा यहाँ देखिए हमको इसमें एकदम सिंपल ही बना रहे हैं, कोई डिज़ाइन नहीं है। देखिए इसमें क्या है, पर्स में, वॉलेट में पैसा रखिए, आई कार्ड रखें, कुछ भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कई बार नहीं तो पर्स में ढूंढना पड़ता है कहाँ कोने में घुस गया, कहाँ चला गया, तो इसमें वॉलेट में पड़ा होगा तो फट से निकाल के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही देखिए अभी हम लास्ट में पहुंच गए हैं। ये हमने लास्ट में हो गया है। अब एक चेन करिए और इसको ऐसे टर्न कर लीजिए। देखिए टर्न किया तो हमको ये वाला छोड़ के अगले वाले में एक स्टिच इसी तरह वापस
सिंगल स्टिच लेना है। इसी तरह हम ये देखिए, इसी तरह हम सिंगल स्टिच फिर से बनाएंगे। देखिए ऐसे ही हम सिंगल स्टिच बनाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी लंबाई पूरी कर ली है, जितना हमको लंबा चाहिए देखिए हमने उतना लंबा इसको बना लिया है। देखिए अब हम इसका वॉलेट बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसका सेंटर कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ से सेंटर किया, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हम यहाँ तक, ये देखिए यहाँ सेंटर हुआ तो हम यहाँ तक इसको जॉइंट करेंगे। सीधी साइड से इसको ऐसे जॉइंट के, वैसे सीधा उल्टा एक जैसा ही है, तो अब हम इसको ऐसे जॉइंट करेंगे और इसको इधर जॉइंट करेंगे। ये देखिए तो अभी हम यहाँ से इसको इसको यहाँ से जॉइंट करेंगे। ये देखिए अभी हम आपको जॉइंट करके बताते हैं। अब हम यहाँ से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए एक इधर से लेंगे और एक इधर से लेंगे। ये देखिए फिर एक बार हम इधर से लेंगे, एक बार इधर से लेंगे और चेन स्टिच बनाएंगे। इसको एकदम साथ साथ से लेना है, बहुत दूर दूर से नहीं लेना है, नहीं तो यहाँ से झोल आ जाएगा। ये देखिए एक इधर से लिया हमने और एक पीछे से लिया। ये देखिए फिर एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। ऐसे ही हम इसको यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए ऐसे हमारा ऊपर चेन आता जाएगा। इसमें तो खास ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हाथ टाइट नहीं रखना है, ना ज़्यादा लूज रखना है और ना ही टाइट करना है। देखिए देखिए ये साइड से हमारा सिलाई हो गया है। अब हम यहाँ से देखिए धागा काट देंगे। यहाँ से हम अभी इतना धागा काट देंगे। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ से ये है, इसे बराबर इसको रखेंगे। अब हम इसको यहाँ से
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, या हम एक चेन बना लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, बाद में इनकी सबकी फिनिशिंग करेंगे। अब ये देखिए, अभी यहाँ से उस साइड की तरह एक 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 इधर से और एक इधर से ये लेके हम इसको चेन स्टिच बनाते जाएंगे। यहाँ से लेंगे और यहाँ से लेंगे, ये ध्यान रखना कि दोनों साइड की जो सिलाई है वो एक जैसी ही जगह पर आए। ये देखिए, एक साइड हमारी सिलाई जो है वो पूरी हो रही है। ये देखिए, ये हमारी दोनों साइड से हमारा सिलाई हो गई है। अब हम इस साइड को इस साइड से यहाँ से सिलेंगे। ये देखिए, अभी हम इसको देखिए, यहाँ से भी हम इसको लेंगे, यहाँ से इसको सिलेंगे। ये देखिए, जैसे इधर सिला है ऐसे ही हम इधर से भी सिलेंगे। देखिए, एक इधर से और एक इधर से, सेम तरीके से ही हम दोनों साइड से इसको सिलेंगे। ये हमको टांका बहुत दूर दूर नहीं लेना है, एकदम साथ साथ में ही सिलाई करना है।
ये देखिए ये साइड भी हमारी सिलाई हो गई है। ये साइड भी हमारी ये देखिए सिलाई हो गई है। अब हम देखिए अब हम यहाँ से धागा काट देंगे। देखिए ये हमारी साइड सिलाई हो गई, इस साइड की भी सिलाई हो गई है हमारी। ये देखिए अब हम ये साइड भी सिलाई करेंगे। इससे पहले एक इसे गांठ लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम देखिए यहाँ से वापस सिलाई करने शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसको सुई धागे से भी सिल सकते हैं, चाहे तो ऐसे क्रोशे से भी सिल सकते हैं। ये देखिए अभी हम यहाँ से इसकी भी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ तक पूरा आना चाहिए। अगर आपको इधर से इधर बराबर नहीं आ रहा तो इधर से भी आप यहाँ स्टार्ट कर सकते, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक भी कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी है बनाना, सिंपल सिंपल है, एकदम सीधा सीधा बनाना है। इसमें कुछ भी ना घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है, बस स्लिप स्टिच से आप बनाते जाइए। आप चाहिए तो कुछ डिज़ाइन डालना चाहें तो डिज़ाइन भी डाल सकते हैं, सिंगल स्टिच से बनाना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये भी हमारा चारों तरफ से सिलाई करके हो गया है। देखिए अब यहाँ से भी हमने धागा काट दिए। अब हम इनको धागों को अंदर की तरफ फिनिश करेंगे। ये देखिए इसको अंदर की तरफ ले लेंगे।
ऐसे ही इस साइड से भी कर देंगे। शिट हुआ नहीं, चालू ही नहीं किया। हेलो, देखिए फ्रेंड्स, ये अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देखिए, पैसा डालिए, कार्ड डालिए इसमें, देखिए आप संभाल के, आप इसको हाथ में भी ऐसे पकड़ सकते हैं, चाहे तो अपने बैग हैंड बैग में भी रख सकते हैं। जैसे ऑफिस गए, बाज़ार गए, तो इसमें सामान पैसा रख के आराम से आसानी से ले जा सकते हैं। आप इसमें देखिए, पैसे भी और कार्ड भी दोनों ही संभले रहेंगे। नहीं तो कई बार क्या होता है, पर्स बड़ा होता है तो उसमें हमको पैसे ढूंढने पड़ते हैं, तो इसमें हमारे पैसे और कार्ड वगैरह जो भी है संभले रहेंगे। देखिए, आप आपको अच्छा लग, आशा है कि आपको अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आपको जल्दी पहुंचती रहे। थैंक यू।